हाय दोस्तों, कैसे हो? मज़े में ना? बस मज़े में ही हो गए। आज है 15 नवंबर और मंगलवार हो चुका है। आज मैं निकल चुका हूँ अपना ओला उबेर का बिजनेस करने के लिए बहुत दिनों के बाद में, क्योंकि मैं गांव गया हुआ था। उसके बाद फिर रिटर्न आया, फिर घूमने का प्लानिंग बनाया था घर वालों ने, तो राजस्थान घूमने के लिए गए थे, अजमेर, चित्तौड़गढ़, ऐसा एक दो जगह पर। तो 2-3 दिन, 4 दिन उधर ही निकल गया, 4-5 दिन। और उसके बाद मैं आया रिटर्न, और फिर तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया था, तो उसमें 2-3 दिन निकल गया। और अभी घर में शादी का भी माहौल है, इसीलिए अभी पूरा महीना मेरा ऐसा ही जाने वाला है। अभी रेगुलर अपडेट आने वाला है नहीं अपना, क्योंकि 1 दिन 2 दिन गाड़ी चलेगा, फिर वापस छुट्टी पड़ेगा, फिर 1 दिन चलेगा, फिर छुट्टी पड़ेगा, ऐसा है। क्योंकि अभी ये महीने में महीने के एंड में शादी है भाई का, इसीलिए अभी अपडेट मैं आपको नहीं दे पा रहा हूँ। आज मैं निकला हूँ अपना छोटा मोटा खर्चा निकालने के लिए, तो देखते हैं। अभी ओला उबर दोनों डिवाइस कर दिया है मैंने ऑन, देखते हैं किसमें कितना बिजनेस होता है। जो भी है, 2-3 राइड कंप्लीट करेंगे, फिर अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम के बाद में मैं निकला हूँ, तो अभी मूड भी नहीं हो रहा और तबीयत भी अभी थोड़ा ऐसा ही है। तबीयत अभी कंप्लीट हुआ नहीं, रूटीन अभी आया नहीं है अपना काम का, तो फटाफट ओला उबेर को करते हैं ऑन। अभी टाइम हो चुका है, 1 बज चुका है, और जो भी अपडेट है मैं आपको अपडेट करता हूँ, लगे रहिए वीडियो में। दोस्तों, 2 राइड मैंने कंप्लीट कर ली है, दोनों राइड मुझे आई थी उबेर में। फर्स्ट राइड मैंने ओला उबेर दोनों डिवाइस ऑन किया था वटवा से, तो मुझे वटवा GIDC से सेला के लिए फर्स्ट राइड आई थी, भोपाल सेला के लिए। वो राइड मैंने कंप्लीट कर लिया, उसका पेमेंट कुछ 480 रुपया कस्टमर ने मुझे पे किया है। जो भी मुझे मिला है मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। उसके बाद भोपाल से मुझे दूसरी राइड आई थी मकरबा के लिए, उसका पेमेंट कुछ 120 रुपया कस्टमर ने मुझे पे किया है। जो भी है मैं इसका अभी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। अभी टाइम हो चुका है 3:20, और अभी मैं बैठा हूँ मकरबा के पास में। देखते हैं यहाँ से किधर का राइड आता है, जो भी है मैं आपको अपडेट करता हूँ, लगे रहिए वीडियो में। दोस्तों, और एक बुकिंग मुझे आ चुकी है मकरबाज से, बापूनगर हीरावाड़ी के लिए आई है, तो मैं फटाफट कस्टमर के पिकअप लोकेशन पर पहुँचते हैं और फटाफट कस्टमर को पिकअप करके जो भी अपडेट है मैं आपको अपडेट करता हूँ। अभी आप देख सकते हो, ये मैं भी मकरबा फाटक के पास से निकल रहा हूँ, एटलांटिक पार्क के पास से कुछ बुकिंग है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस बता रहा है। वहाँ से फटाफट कस्टमर को पिकअप करके बापूनगर छोड़ते हैं, और उसका जो भी अपडेट है मैं आपको अपडेट करता हूँ। अभी टाइम हो चुका है 3:45, आधा घंटा मुझे यहाँ पर बैठे बैठे हो चुका, और उसके बाद एक बुकिंग आई है, बुकिंग करते हैं, उसके बाद जो भी अपडेट है मैं आपको अपडेट करता हूँ, लगे रहिए। लास्ट ट्रिप भी मैंने कम्प्लीट कर ली है, जो मकरबा से हीरावाड़ी के लिए थी, वो मैंने कस्टमर को हीरावाड़ी ड्रॉप कर दिया है। उसका पेमेंट 354 पेमेंट आया है उबेर में। अभी तक का मेरा उबेर का 3 ट्रिप मैंने कंप्लीट कर लिया है, और अभी तक का मेरा टोटल अर्निंग 750 रुपये के आसपास कुछ अर्निंग टोटल हुआ है। और अभी 4:45 हो चुका है, अभी मैं बैठा हूँ हीरावाड़ी BRTS बस स्टॉप के पास में। देखते हैं, यहाँ पर वेट करते हैं, और एक कोई ट्रिप का कोई अच्छी ट्रिप आती है तो एक्सेप्ट करते हैं, और जो भी आगे का अपडेट है मैं आपको अपडेट करता हूँ। मैंने CNG, तो मेरा गाड़ी में मेरा फुली CNG था, क्योंकि जो दिन मैं रात को आया था उसी दिन मैंने CNG फुल करके मैंने घर पे रखा था, तो अभी CNG भरने की तो कोई नौबत नहीं है, क्योंकि अभी गाड़ी में CNG बहुत है। तो देखते हैं, जो भी आगे का अपडेट है मैं आपको अपडेट करता हूँ, लगे रहिए वीडियो में। दोस्तों, जो मैंने लास्ट अपडेट आपको दिया था, उसके बाद आधा पौना घंटा मुझे वेट करने के बाद में भी कोई बुकिंग नहीं आया। एक बुकिंग आया था भोपाल के लिए, लेकिन आधा पौना घंटा हो गया था, उसके बाद मेरा भी मूड आउट हो गया, बोले अब भोपाल का भी बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करना। और टाइम हो गया था उस टाइम पे, मैंने 4:45 आपको अपडेट दिया था, और 5:30 मुझे एक बुकिंग आया, तो फिर मैंने भी वहाँ से उस बुकिंग को भी कर दिया कैंसिल, और डिवाइस कर दिया ऑफ, ओला भी ऑफ कर दिया और उबेर भी ऑफ कर दिया, क्योंकि कोई बुकिंग भी नहीं आ रहा था और मेरा तबीयत भी थोड़ा डाउन जैसा लग रहा है, क्योंकि आज बहुत दिन बाद मैं निकला हूँ तो मूड नहीं हो रहा धंधा करने का, तो इसलिए मैंने 3 बुकिंग कंप्लीट की, और मैं अपने घर पे भी पहुँच चुका हूँ। अभी अभी टाइम हो चुका है 6 बजने में, 10 मिनट बाकी है, 6 बजने वाले हैं,
तो मैं अपने घर पे भी पहुंच चुका हूँ, और आज मैंने 3 ही ट्रिप कंप्लीट किया है, और आज कोई सीएनजी मैंने गाड़ी में नहीं डलाया, और गाड़ी मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चला होगा मेरा, और 6 बजे अभी मैं अपने घर पहुँच चुका हूँ। देखते हैं कल से कुछ नई शुरुआत करेंगे धंधे की, कल सुबह में थोड़ा जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे, और आपको पूरे दिन की अपडेट करने की कोशिश करूँगा। कल ऐसे भी मुझे कुछ काम है नहीं, तो कल मैं सुबह में निकलने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।